Hello everyone, welcome to Sri Ram Academy. My name is Harshad Agrawal, and I am a technical graduate in the Department of Electrical Engineering. Our courses are as follows: that is UPSC, ISPCS, SSCJE, SSCCGL, Bank P examinations, railways, and academic from 8 to 12th, which includes science and commerce as well. In this video, today we will be learning about the public sector banks.

कैटेगरी ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक देयर मेन हेडक्वार्ट देयर फाउंडर्स एंड सी ईओ नाओ बिफोर वी मूव फर्दर इस वीडियो में टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स डिस्कस नहीं हुए हैं सो इफ यू आर लुकिंग फॉर टाइप्स ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स दिस वीडियो इज नॉट फॉर यू बट इन फ्यूचर आई एल बी अपलोडिंग फ्यू बैंक रिलेटेड वीडियोज

ओनरशिप मैक्सिमम ओनरशिप या मेजॉरिटी ऑफ ओनरशिप गवर्नमेंट के पास है नाउ जो ये पब्लिक सेक्टर बैंकिंग की इंडस्ट्री है ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नेशनलाइजेशन पर इमर्ज हुई थी और ये हुआ था 1921 में यानी 1921 में अब ये जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं इनकी मेजोरिटी या मैक्सिमम ओनरशिप गवर्नमेंट के पास होती है अब कितनी होती है और मेजोरिटी का क्या मतलब होता है हमें यह समझना है मजॉरिटी कैन बी फिफ्टी वन परसेंट मोर देन फिफ्टी फिफ्टी परसेंट मेजॉरिटी आ जाएगी अभी फिफ्टी वन परसेंट से सेवेंटी टू एटी परसेंट तक रहती है नाउ एज यू कैन सी इन दिस वीडियो कि टू थाउजेंड में देवर ट्वेंटी सेवन बैंक्स फिर

तो एज़ यू कैन सी इन दिस पिक्चर कैनरा बैंक ने सिंडिकेट बैंक को टेक ओवर किया उसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक को टेक ओवर करा था पी एन बी दैट इज पंजाब नेशनल बैंक टेक्स ओवर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक इसके अलावा इंडियन एंड इलाहाबाद बैंक मर्ज हुए थे अब ये सब होने के बाद देर आर ट्वेल्व पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी नाउ हेयर इज अ लिस्ट ऑफ ऑल द पब्लिक सेक्टर बैंक्स एज ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी द फर्स्ट नेम इन दिस लिस्ट इज बी ओ वी दैट इज बैंक ऑफ बड़ोडा नाउ द मोटो ऑफ दिस बैंक इज इंडियाज इंटरनेशनल बैंक नाउ दिस बैंक वॉज फाउंडेड बाय Sayaji Rao Gakwad Three. in the year 1908. I am not very precise with dates, but as per my research, it was 20th of July, that is 20 July. This bank's main headquarter is in Alkapuri, Vadodara, Gujarat. Now, the current CEO and MD of Bank of Baroda is Mr. Sanjeev Chadda. So, जो प्रेजेंट के सी ई ओ और एम डी हैं दैट इज मैनेजिंग डायरेक्टर बैंक ऑफ बड़ोडा के वो हैं संजीव चड्डा जी सो so, इस लिस्ट में हमारा दूसरा बैंक है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इसका मेन हेडक्वार्टर एम जी रोड मुंबई में है इनका मोटो है अ बेटर लाइफ अराउंड अस। इसका फाउंडेशन ट्वेंटी वन दिसंबर 1911 को हुआ था बाय सर सौरभ जी नुसरवान जी, पोचकान वाला और सर फेरोज़ शाह मरवानजी मेहता ने किया था सो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के करंट सी ही हैं पल्लव मोहपात्रा और साथ ही साथ ये एमडी भी हैं यानी मैनेजिंग डायरेक्टर इन्होंने अपना करियर एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर किससे स्टार्ट करा था इन 1983 फ्रॉम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सो इस लिस्ट में हमारा थर्ड बैंक है यू बैंक यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक दिस वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1943 यानी कि उन्नीस में ये स्टैब्लिश हुआ था इसका हेड ऑफिस कोलकाता में है जो इस बैंक के फाउंडर हैं उनका नाम है श्री घनश्याम दास बिरला जी और इस कंपनी के करंट सीईओ हैं अतिल कुमार गोयल जी अतिल कुमार गोयल जी पचपन साल के हैं और ये सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर एज वेल एज डायरेक्टर भी हैं इस बैंक की मेन मोटो या फिर टैगलाइन है ऑनर्स योर ट्रस्ट सो so, इस लिस्ट में अब हमारा नेक्स्ट बैंक आता है उसका नाम है एस बी आई दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाउ दिस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज स्टैब्लिश डेट टू बी प्रसाइज इज नाइनटीन जुलाई 1955 तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो है मुंबई में यानी महाराष्ट्र एस की फाउंडर एज वेल एज चेयरपर्सन थी अरुंधति भट्टाचार्य एंड द करेंट सी ओ ऑफ द एस बी आई इज रजनीश कुमार जी नाउ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की अलग अलग टैग लाइन रही है अब कुछ इसे लिखते हैं प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स दूसरा है विद यू ऑल द वे तीसरा है अ बैंक ऑफ अ कॉमन मैन चौथा द बैंकर टू एवरी इंडियन और पांचवा है द नेशन बैंक सनास नाउ विद दैट सेड लेट्स मूव टू अनदर बैंक दैट इज़ बैंक ऑफ महाराष्ट्र इसका मेन हेड क्वार्टर पुणे में है नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक मेजर पब्लिक सेक्टर बैंक है क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें एटी सेवन पॉइंट सेवन फोर परसेंट शेयर होल्ड करती है नाउ दिस बैंक वॉज फाउंडेड बाय मिस्टर वी जी कले एंड डी के सेथ और इस बैंक का रजिस्ट्रेशन हुआ था 16 सितंबर 1935 यानी कि 16 सितंबर 1935 में उसके बाद ये फुली ऑपरेशनल हुआ 8 फरवरी 1936 में नाउ बैंक ऑफ महाराष्ट्र के सीईओ हैं मिस्टर ए एस राजीव और इस बैंक का मोटो है एक परिवार एक बैंक मूविंग ऑन हमारा नेक्स्ट बैंक है कैनरा बैंक कैनरा बैंक का मेन क्वार्टर बैंगलोर में है और इसका फाउंडेशन हुआ था फर्स्ट ऑफ जुलाई 1906 यानी कि एक जुलाई 1906 में और इसके फाउंडर थे अमेम्बल सुब्बराव पाए इस बैंक का मोटो है टूदर वी कैन और इस बैंक के करंट सीईओ ई हैं लि लिंगम वेंकट प्रभाकर इनका सीईओ का टेन होगा फर्स्ट फेब 2020 को यानी कि एक फरवरी 2020 से लेकर के 31 दिसंबर 2022 तक नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर सिक्स बैंक्स एंड लेट्स मूव टू अदर बैंक्स नाउ इस लिस्ट में हमारा अगला बैंक है इंडियन बैंक इसका मेन क्वार्टर है चेन्नई में और इस बैंक का मोटो है योर टेक फ्रेंडली बैंक ये बैंक पंद्रह अगस्त 1907 को फाउंडेड हुआ था और इसके फाउंडर थे सतप रामनं मुथैया अन्नमलाई मलाई और वेंकटरामा कृष्ण स्वामी और एक और मेंबर थे इसमें उथे दीवान बहादुर सतप पर रामानंथ मुठैया रामस्वामी चट्टियार और इस बैंक की करंट सी ई हैं पदमाजा चंद्रुम तो श्रीमती पदमाजा चंद्रु ने सी ओ की पोस्ट इंडियन बैंक में 21 सितंबर 2018 से संभाली है और अभी भी संभाल रही हैं आई होप यू आर गेटिंग द इन्फॉर्मेशन विच आई वॉन्ट टू कन्वे सो so, इस लिस्ट में हमारा नेक्स्ट बैंक है पंजाब एंड सिंध बैंक इसका मेन हेडक्वार्टर है राजेंद्र पैलेस न्यू दिल्ली और इसका मोटो है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ इस बैंक के फाउंडर है भाई वीर सिंह ये अपने समय के बहुत अच्छे पोइट थे और स्कॉलर थे और इस बैंक का फाउंडेशन हुआ था 24 जून 1908 में यानी कि ट्वेंटी फोर्थ ऑफ जून 1908 में इस बैंक के सीईओ मिस्टर एस हरिशंकर हैं यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं दिखने में गलती हो गई है पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब एंड सिंध बैंक के डेटा गलती से सेम लिख गया है एंड वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट प्लीज़ डू करेक्टेड बाय योरसेल्फ आई एम रिपीटिंग पंजाब एंड सिंध बैंक के जो सीईओ हैं वो हैं श्री एस हरिशंकर जी ये सीईओ ई एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं इस लिस्ट में हमारा अगला नाम आता है पंजाब नेशनल बैंक पंजाब नेशनल बैंक का मेन क्वार्टर है न्यू दिल्ली में और इस बैंक का मोटो है द नेम यू कैन बैंक अपॉन नाउ द इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट दिस बैंक इज ये बैंक उन्नीस में अट्ठारह को लाहौर पाकिस्तान में फाउंड हुआ था बाय लाला लाजपत राय एंड सरदार दयाल सिंह मजीथिया के द्वारा और इस बैंक के करंट सीईओ हैं एस एस मल्लिका अर्जुन राव इस लिस्ट में हमारा अगला बैंक है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मेन हेड क्वार्टर है नरिमन पॉइंट मुंबई में और इनका मोटो है गुड पीपल टू बैंक विथ नाउ दिस बैंक वॉज फाउंडेड ऑन एलेवन नवम्बर नाइनटीन यानी कि 11 नवंबर उन्नीस में इस बैंक का फाउंडेशन हुआ था और इस गवर्नमेंट के ओनर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया राइट नाउ इस बैंक के सी हैं राज राय जी सो इस लिस्ट में हमारा अगला बैंक है बैंक ऑफ इंडिया इनका हेड ऑफिस मुंबई में है और इनका मोटो है रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग नाउ दिस बैंक वॉज फाउंडेड ऑन सेवन सेप्टेम्बर नाइनटीन ओ सिक्स यानी कि सात सितंबर उन्नीस सौ छः में इस बैंक का फाउंडेशन हुआ था इस बैंक के फाउंडर हैं सर ससून जी डेविड और इस बैंक के करंट सीईओ हैं है अतानु कुमार दास जी तो इस लिस्ट में लास्ट है इंडियन ओवरसीज बैंक इंडियन ओवरसीज बैंक का हेड हेड ऑफिस या हेड क्वार्टर चेन्नई में है और इस बैंक का मोटो है गुड पीपल टू ग्रो विद नाउ दिस बैंक वाज़ फाउंडेड ऑन 10 फ़रवरी 1937 इन चेन्नई यानी कि 10 फरवरी 1937 में इस बैंक का फाउंडेशन हुआ था और इस बैंक के फाउंडर हैं मुथैया है चिंदबरम चट्टियार जैसा कि आप देख सकते हैं इंडियन बैंक के फाउंडर और इंडियन ओवरसीज़ बैंक के फाउंडर का नाम एक जैसा लगता है लेकिन दे बोथ आर टू डिफरेंट पर्सनस एंड वी नीड टू कीप दैट इन माइंड मुठैया चिंदमवरम चट्टी आर ये एक इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट और बैंकर थे और इस बैंक के करंट सीईओ हैं श्री कर्णम शेखर जी राइट नाउ ही इज़ सिक्सटी इयर्स ओल्ड इन्होंने अपनी पोस्ट एक जुलाई 2019 से संभाली थी और अब तक संभाल रहे हैं और आगे भी संभालेंगे नाउ विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आर लिस्ट इन पब्लिक सेक्टर बैंक्स सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आइस आई होप आप सबको बैंकिंग की ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी वैल्यूबल होगी जनरली एग्ज़ाम्स में इसका इंफॉर्मेशन का फाउंडेशन डे से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन राइट इट ऑन कमेंट सेक्शन एंड एज माई डिस्क्रिप्शन सेज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिजम इज़ ऑलवेज वेलकम्ड सो फील फ्री टू कॉमेंट एंड आस्क क्योंकि जब तक आप पूछेंगे नहीं तब तक, तक आप सीखेंगे नहीं ना विद दैट सेड वी आर मूविंग टूवर्ड्स कंक्लूजन सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज एंड डू चेक आउट अदर वीडियोज ऑन दिस चैनल टू एंड डोंट फोरगेट टू गिव अस व वैल्यूएबल फीडबैक